नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डालने से पहले एक जरूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती फार्मिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे सामने ये सबसे पहले ये हाथ है और इनके हाथ के बारे में बात कर लेते हैं। ये इनकी कनिष्ठा उंगली है। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच चुकी है लगभग, यानी कि अगर कुल मिलाकर बुद्धि की बात करें तो इनके पास में तीव्र बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छी याददाश्त और सही लोगों से बात करने का तरीका, उनकी बात को समझ करके सही निर्णय लेना, ऐसी क्षमता ईश्वर की कृपा से आपके पास में है। बात करता हूँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही सुंदर, सूर्य उंगली एकदम सीधी खड़ी हुई है। जब सूर्य की इतनी सुंदर उंगली खड़ी हुई होती है तभी व्यक्ति विदेशों से जुड़ता है, साथ ही साथ उसके अंदर एक सम्मान प्राप्त करने का पूरा गुण होता है और व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त भी कर जाता है और कुल मिलाकर यह सम्मान जीवन में बनता है। साथ ही साथ आपके हाथ की उंगलियों को यदि मिलाऊंगा तो शायद लगभग लगभग मिल जाती हैं यहाँ पर, तो या अगर ये यदि यहाँ पर ये गैप रहता है तो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, उनको अपने साथ नहीं रख पाता है, तो ये इस तरह का संकेत होता है यदि उंगली आपस में मिलने के बाद भी ये गैप रह जाता है तो। अब बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली। इसका टर्न लिए हुए हल्का सा आपके सूर्य की तरफ, यानी कि कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 महादशाओं में आपके ऊपर जरूर धर्म से संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। बृहस्पति की उंगली की बात करें, बृहस्पति की उंगली बहुत अच्छी लंबाई, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर इस उंगली ने एकदम शनि की उंगली की बराबरी करने की कोशिश की है। ये अच्छा संकेत नहीं है। जब जब इस तरह की उंगली शनि की उंगली की बराबरी करने की प्रयास करती है तो व्यक्ति धन के प्रति अंधा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। धन के प्रति व्यक्ति का ज़्यादा होना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अति होना वो ठीक नहीं है। साथ ही साथ व्यक्ति घमंडी भी हो जाता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये एक अच्छा इंडिकेशन, मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो चलिए, ये सब हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व पर ये बहुत ही अनुकूल रेखाएं, ये अनुकूल रेखाएं होती हैं, व्यक्ति के अंदर पावर बनती है। यानी जब इस व्यक्ति के अंदर इस तरह की रेखाएं होती है तो व्यक्ति की बुद्धि क्षमता सही निर्णय लेकर के व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाती हैं। पर्वत कुछ फूला हुआ है, पर्वत जब फूला हुआ होता है तो व्यक्ति को फूल, पर्वत फूला होने के कारण व्यक्ति के पास जो धन के आगमन हैं, उन धन के आगमनों का, धन का आना और धन का साथ के साथ चला जाना, ये एक बैड सिंगल आप मान सकते हैं, यानी कि खर्चे की सीमा भी आपके पास बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो ये इस प्रकार को बताने वाली रेखाएं। अब बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर यदि देखें तो नीचे से एक त्रिभुज नहीं, एक छोटी सी मछली सब कह सकते हैं, ये छोटी सी मछली के ऊपर बना हुआ ये सिंबल। जब छोटी सूर्य की मछली बन करके और उसके ऊपर ये रेखाएं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप अपने जीवन में गवर्नमेंट से संबंधित सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत रहे हों करते तो निश्चित रूप से आप सरकारी जॉब में हो जाते, लेकिन उसके बाद भी राज्य सरकार से सपोर्टिंग या विदेशों में जाकर के धन कमाने के लिए ये मछली यहाँ पर काम करती है। तो चलिए, ये आपका सिंगल बताया। अब मैं बात करता हूँ आपकी एक और रेखा की। ये रेखाएँ आपके पर्वत पर खड़ी हुई शनि की रेखाएँ, शनि की रेखा यहाँ कुल मिलाकर के अच्छे अनुकूल रूप से खड़ी हुई हैं, जो इस प्रकार को दर्शाती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत लास्ट समय तक धन के आगमन बने रहेंगे, ये इस प्रकार को दर्शाती हुई यहाँ पर शनि पर्व पर रेखा है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर ये आने वाली रेखाएं यहाँ पर जो इस प्रकार से खड़ी हैं, ये निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसका एक से दो मकान या एक मकान से दो प्लॉट तक व्यक्ति ले सकता है। इस तरह की यहाँ पर ये कुल मिलाकर बृहस्पति पर्वत अनुकूल स्थिति में है। अब बात हो गई आपकी, यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपकी काफ़ी जो है यहाँ अगर कहूँ तो कुछ मोटेपन में है, और यहाँ आपकी 61 की एज पर यदि मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा जो वैसे बीमारी के योग शुरू हो जाते हैं, जैसे शुगर है, ब्लड
ब्लड प्रेशर है, कैलेस्ट्रॉल है, इस तरह की बीमारियों के योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये मस्तिष्क रेखा से निकल करके एक हृदय रेखा पर जो रेखा जा रही है, ये वाली जो रेखा जा रही है, ये विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी के लिए आपको कहती है। तो आप अपनी जांचें वगैरह कराते रहिए, कोई ज़्यादा बुरी ऐसे संकेत नहीं है, बस ये जांच पर अपनी कराते रहिए तो अच्छी बात है। तो चलिए, आपकी हृदय रेखा से आप कुल मिलाकर के सही हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। जब मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है तो ये अपना अच्छा इंडिकेशंस नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से यदि मैं कहूँ तो ये अपने आप में ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप कोई ऐसा गलत डिसीजन ना लें जिसके कारण आपको अपने कार्यों में नुकसान का सामना करना पड़े। आपकी बुद्धि रेखा का जो उदय है वो आपके जीवन में लगभग लगभग 35वें वर्ष से जाकर के हुआ है। ये इससे पहले का जीवन बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहा होगा और 35 वर्ष के बाद जाकर के ये रेखा जाकर दूर स्थान से मिल गई, यानी कुल मिलाकर के 35 वर्ष के बाद में आप दूर स्थानों से जुड़ करके आपको धन के ज़्यादा आगमन दर्शित होते हैं और तब बुद्धि ने आपके लिए सही काम करना किया और आपने उसके बाद यहाँ से धन कमाना शुरू किया। तो 35 वर्ष के बाद में आपकी भाग्य रेखा का उदय हुआ। तो चलिए, ये आपकी स्थिति हो गई आपकी मस्तिष्क रेखा की। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ अन्य रेखाओं की। देखिए, चंद्र पर्वत पर चलते हैं। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से ये रेखा निकल करके आ रही हैं जो यहाँ पर बुध पर्वत की तरफ भी दिख रही हैं, यानी चंद्र पर्वत से बुध पर्वत को देखने वाली रेखाएं जो ऊपर की तरफ हैं ये मंगल पर्वत पर। इससे आप हो सकता है कि टेक्निकल माध्यमों के से जुड़ करके यहाँ आपने धन कमाया हो और ये कुल मिलाकर के एक बड़ी रेखा जा करके आपके यहाँ से जुड़कर शुक्र पर्वत के अंदर भी घुस गई है। तो कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो थोड़ा सा यहाँ से घूम के अंदर गई है ये। तो यहाँ इस प्रकार को दर्शाती हुई जो रेखा है ये बता रही है कि आप विदेश से जुड़ करके, जब तक आप विदेश से नहीं जुड़ेंगे जब तक आप पर धन के आगमन नहीं बनेंगे। तो कुल मिलाकर दूर देर से जुड़ करके धन रेखाएं बनी हुई हैं, धन कमाने के संकेत बने हुए हैं। चलिए, तो ये अपने आप में बात हो गई आपकी। अब मैं बात कर लूँ आपकी एक ये बुध रेखा के बारे में। देखिए, व्यापारिक रेखा के रूप में कह सकते हैं या बुध रेखा के रूप में कह सकते हैं। यहाँ से निकलने वाली रेखाएं ये मस्तिष्क रेखा के पास से निकल रही हैं। तो ये अपने आप में जो संकेत है ये काट कर जा रही हैं आपकी बुद्धि रेखा को। यानी मैं कह सकता हूँ कि जीवन के कुछ 35 वर्ष के बाद हो सकता है कि आपको 38-39वें वर्ष में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो ख़ास तौर से वो मानसिक चिंताएँ भी हो सकती हैं या मानसिक रोग भी हो सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, इसका मर्ज आपका हो गया यहाँ पर जाकर के, और ये यहाँ से जुड़कर जब गई है तो ये इस प्रकार को दर्शा रही है कि आपकी आयु रेखा में जुड़ गई, यानी आपका भाग्य फिर दर्शाया गया कि दूर प्रांत से जुड़ करके आपका भाग्य बना। मैंने बताया आपको जीवन में 35 वर्ष के बाद में ज़्यादा आपका भाग्य हो जाए, ये आपका लगभग लगभग 38वें वर्ष में थोड़ा सा कोई और परिवर्तन का सामना हो सकता है। जिस विदेश में आप गए हो वहीं आपको कुछ स्थान परिवर्तन या दूसरी कंपनी से जुड़ा हो, और कुल मिलाकर यदि अब की बात करते हैं तो यहाँ जाकर 55 तक ये ठीक ठाक चली, अब यहाँ आप 61वें वर्ष से गुजर रहे हैं और 61 वर्ष से ये भाग्य रेखा आपके अनुकूल होकर के यहाँ चली है। तो यानी कि अगर आपने कहा अब मनी कैसी, इस समय धन कैसा रहेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आपके पास धन के आगमन आगे भी निश्चित रूप से बने रहेंगे। तो मनी की स्थिति आपकी लास्ट समय तक ठीक रहेगी। आपने कहा मेरा भाग्य कैसे देगा, देखिए लक रेखा यानी भाग्य रेखा और मनी रेखा एक ही रेखा होती है। तो जब मनी रेखा सही है तो लक रेखा भी अपने आप में आपकी आगे आगे ठीक है। फैमिली लाइफ के बारे में आपने पूछा तो ऊपर मुझे कुछ रेखाओं के बीच में गैप मिला था, तो वो थोड़ा सा फैमिली लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब लगती है, कोई इतनी ख़राब नहीं कह सकते कि आपका कोई परिवार से सहयोग नहीं रहेगा, तो फैमिली लाइफ भी कुल मिला करके ठीक रहेगी। आइए मैं अग्नि रेखाओं के बारे में बात करता हूँ। तो हमने आपका यहाँ मंगल देखा, ये जब सब रेखाएँ देखी, अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके शुक्र पर्व की। ये शुक्र पर्व और काफ़ी उठा हुआ शुक्र पर्व है आपका। जब शुक्र पर्व काफ़ी उठा हुआ होता है तो व्यक्ति के अंदर आज तक भी एनर्जिक
जो एनर्जी है वो आज भी आपके अंतर्गत भरी हुई है, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो सुख साधन की सुविधाएं आपके पास वर्तमान में हैं। जो एक व्यक्ति को चाहिए साधन, वो साधन सब आपके हाथ के अंदर दर्शित होते हैं, तो वो भी आपके पास में है। संतान रेखाएं देखते हैं तो यहाँ आपके हाथ से दर्शित नहीं होती है, ये पत्नी के माध्यम से ज़्यादा दिखाई देंगी, लेकिन बृहस्पति पर्वत अनुकूल है तो संतान से सहयोग आपको मिलेगा। तो आपकी सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर पढ़ा और आपको उसका फल बताया। अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आयु रेखा और रह गई आपकी, आपकी आयु रेखा देख लेते हैं। यहाँ आपकी आयु रेखा और आयु रेखा जा कर के ये जुड़ती हुई और लगभग लगभग इसको कह सकते हैं यहाँ पर 82-83 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में बन चुकी है और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, तो ज़्यादा कोई विशेष चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा भी आपकी अच्छी लगी। अब बात कर लेते हैं आप क्या करें आगे जो आपको रोगों का कोई सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नित्य योगा है या आसन है, घूमना फिरना है, वो सब तो जीवन में होना ही चाहिए, खासतौर से इस उम्र में जाने के बाद में। और आप यदि रोज़ाना अपनी पूजा में रुद्राष्टकम पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपका रतन आपने माणिक्य यहाँ पहन रखा है, यही आपका रतन बनता है, तो ये आपने ठीक पहन रखा है। तो बस इतना भर करिए, इन दो पूजाओं को करिए, माणिक्य आपने पहन ही रखा है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए स्वास्थ्य का, बाकी सब अनुकूल स्थिति है। नमस्कार।